अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई सीन कुछ ऐसे है कि अब हम जा रहे हैं सिटी हॉस्पिटल, और सिटी हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं मैं आपको वहीं जा के बताता हूँ। तो अब निकलते हैं सिटी हॉस्पिटल, ऐसे नहीं ऐसे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ सिटी हॉस्पिटल, तो सिटी हॉस्पिटल में पहुँच चुका हूँ। तो सिटी हॉस्पिटल में इसलिए आया था कि मेरा एक कज़न आया हुआ है यूएस से, उसकी जो बेटी है ना उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उसका पता करने आया हूँ मैं। अब मिलते हैं उससे, आपको ही मिलवाता हूँ। अभी तो काफ़ी देर हो गई है, हम अभी इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हम रूम ढूंढ रहे हैं, हमें रूम नहीं मिला अभी, हमें रूम पता लगा है 212। तो बस जा रहे हैं वहीं। तो रूम हमें मिल गया है, ये चल रहा है 208, और ये है 209, 210, 13, ये है 212। चलते हैं अभी अंदर, खोल रही गेट। तो भाई वो क्या कहते हैं ना, हम अभी आए थे तो डॉक्टर चेकअप करने के लिए लेट है, तो हम खुद लेके जा रहे हैं फिर डॉक्टर के पास, क्योंकि ऐसे तो हमें लेट हो जाएगी। ओके भाई चलो, उस वक्त यार इनके पास आना ही नहीं, ऐसा डॉक्टरों का जो मामला है ना, ये भी बड़ा ख़राब है। ठीक है ना, ये वेट करवाया हुआ है, आधा घंटा हो गया, कभी इधर भेज रहे हैं कभी उधर भेज रहे हैं, अभी बस लगे हुए हैं। ये नर्सरी है बच्चों की, अभी इतनी देर से हमारी फाइल अंदर गई हुई है, अभी भी कह रहे हैं कि 10 मिनट। हाँ वो अभी फाइल आप रिसेप्शन में भेजेंगे, आपका आपने पहले दिए हुए हैं और वो सारे काउंटर। बस ये नर्सरी के बाद असल में डिस्चार्ज हमने करना है। ये लोग कह रहे हैं कि इधर रात रुको, लेकिन हम रात रुकना नहीं चाह रहे, हमें डिस्चार्ज होना है, इधर से डिस्चार्ज चाहिए हमें। डिस्चार्ज शीट बना के उन्होंने हमारा अच्छा खासा बिल बना दिया, 50,000 का बिल बना दिया, 5 बजे आए हैं, 10 बजे हैं। तो भाई पूरे 1 घंटे के बाद हमारी फाइल आ चुकी है, अभी हम जा रहे हैं नीचे काउंटर पे, उनको पे करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या सीन है। अभी अभी वार्ड वो आया है फाइल ले गया। अभी फिर काउंटर पे आए थे, तो काउंटर पे आने के बाद इन्होंने बोला कि आप खैर फार्मेसी से अपना जाकर बिल क्लियर करवाओ, तो अभी बिल क्लियर करवा रहे हैं फार्मेसी से। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं काउंटर पे हम डिस्चार्ज शीट बनवाएंगे, उसके बाद फिर खल्लास अब कर रहे हैं बात। भाई इधर का डिस्पेंसरी का भी बिल अलहदा पे करना है, इनका अलहदा पे करना है, इतने चक्कर लगवा देंगे मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा जलील करते हैं हॉस्पिटल वाले, मैं तो आज पहली बार आया हूँ, मैं तो दिमाग घूम गया। बहुत सख्ती सीन है इधर भाई, बहुत मार, माहौल ख़राब है। तो भाई डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक है, वो लेके आ रहे हैं, मैं निकालने जा रहा हूँ गाड़ी, क्योंकि टोकन जो है वो मेरे पास है, गाड़ी निकालते हैं। अब पहले तो गाड़ी ढूँढनी पड़ेगी कि इधर गाड़ी है कहाँ अपनी। तो भाई गाड़ी हमारी जो है वो उस साइड पे खड़ी है, तो अभी निकालते हैं। तो भाई गाड़ी हमने निकाल ली है, अब हम निकल रहे हैं आगे।
तो भाई हम निकल चुके हैं बाहर, अभी मैं बैग करके आता हूँ, फिर फैमिली को बिठाते हैं, फिर निकलते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। तो भाई सिटी हॉस्पिटल से हम फ्री हो चुके हैं, उसके बाद अभी अभी मेरे दोस्त आए हैं मुझे लेने स्पेशल, तो मैं इनके साथ निकल रहा हूँ। बुट्टा साहब नहीं आए भाई, हम लेने नहीं आए। बुट्टा साहब, बुट्टा साहब कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह, हम मिले नहीं यार, आप कैसे मिल लिए? ओए होए मेरी, आपने तो पूरा ही लाभ हमारा। अच्छा यार, ओके अल्लाह हाफिज़, ठीक है जाओ। अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा चिल करेंगे, बैठेंगे, खाएंगे पियेंगे, खाएंगे पियेंगे, कुछ नहीं करते, खा के निकले, बहुत अच्छा कर लिया बस। अब हम बैठेंगे थोड़ी देर, तो अभी ऐसा है कि हमारा मूवी का सीन हुआ है, अभी मूवी देख रहे हैं, मूवी मुका के फिर हम घर जाएंगे आज। Hey, come look at this. मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट और हैवी बात शेयर करने लगा हूँ, जो कि हमारे आदिल भुट्टा साहब, सॉरी आसिफ भुट्टा साहब जो है, इन्होंने अभी अभी बताया हमें। बताओ जी, क्या कह रहे थे आप? चाह रहा था कि कूलर की जो है ना ठंडक, वो एसी से बहुत अच्छी है। चल झूठा। अच्छा, यही तो जिसम आपको ख़राब नहीं करती, आपको लेजी नहीं करती, वो ठंडक वो सारा दिन रह जाती है। अच्छा, एसी की ठंडक जो है ना, आप जैसे ही बाहर निकलेंगे खत्म। किसका खत्म हो जाएगा? अरे बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे इसकी बेहतरीन चबल पे? ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कूलर जब लगा हुआ था तो साथ बर्फ लग जाती है बंदे के, जो सारा दिन चलता रहता है? वो नेशनल हो जाती है, वो आपकी हड्डी में चली जाती है हवा। हड्डी में क्या हवा नहीं है, ये समझ ले एक गैस है बड़ी गंदी। ये एसी एक गैस है और कूलर जो है ना वो बड़ी बेहतरीन चीज है। इसके इनका कहने का मकसद ये है, ऐसे ही ऐसे ही गैस होती है ना, गैस भी चल रहा है ये। अच्छा, एसी वो जो होता है ना कूलर हमारा, वो नेचुरल हवा होती है। अच्छा, तो क्या यार, क्या कहना चाहोगे इसकी चबल के बारे में आप? मैं क्या बताऊं जैसा बाबा आपको, मैं खुद इसकी सुन के परेशान हुआ बैठा हूं। आते बुटा, आप ना घट भी है करो, आपकी मेहरबानी। और मुल्तान का इस टाइम जो वेदर है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता, फुल टाइम माहौल है आंधी, फुल टाइम आंधी चल रही है, फुल ठंडक है हवा, फुल टाइम मस्त, ओए 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 ओए, बहुत तेज हवा चल रही है। तो भाई इस व्लॉग को हम इधर ही एंड करते हैं, तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तो ये मिलेगा आपको कल, ठीक है? तो लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।